यह है आपका अपना चैनल लेट्स बिगिन विद एवीएस। और अभी थोड़ी देर पहले एसएससी ने जो अपना जूनियर इंजीनियर का जो एडवर्टाइजमेंट था वो अपना निकाल दिया था, तो हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आरआरबी जे और एसएससी जे के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं दोनों की पोस्टों में। देखिए आपको पता होगा वैसे भी जो दोनों की पोस्ट हैं वह दोनों ही जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हैं, बस इन दोनों में अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा बस एग्ज़ाम पैटर्न का ही डिफरेंस है, नहीं तो आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आरआरबी जेई से वहीं आपको रेलवे में आपको जूनियर इंजीनियर अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन एसएससी जेई से आपको दो चार जो एसएससी के जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे हुआ पावर डिपार्टमेंट हुआ, वाटर डिपार्टमेंट हुआ, तो इनमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और वहीं जो रेलवे का है उसमें रेलवे जूनियर इंजीनियर एज ए अपॉइंट किया जाएगा। वहीं अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर देखा जाए तो सैलरी स्ट्रक्चर भी थोड़ा इनका सेम है, पूरा का पूरा सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा सेम है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम के पैटर्न से दोनों के दोनों डिफरेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम जो पैटर्न है इनका, इसमें जो आरआरबी जेई है जो रेलवे वाला जूनियर इंजीनियर, वो आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है आपके एसएससी जेई में आपका डिस्क्रिप्टिव लेवल पड़ जाता है, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है तो वो थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ सकता है, जबकि आरआरबी जेई वाला पोर्शन ईजी है। और अभी एसएससी जेई ने जो अभी एडवर्टाइजमेंट निकाला है पूरा का पूरा, तो उन्होंने अभी अपनी जो वैकेंसी है वो डिफाइन नहीं करी है। वहीं अगर हम आरआरबी जेई की बात करें तो 13,000 कुछ वैकेंसी हैं जो आरआरबी जेई में निकली हुई हैं। तो अब इनके एग्ज़ाम की बात करें तो इन दोनों का जो प्री एग्ज़ाम है वो दो वही अप्रैल मई में ही कंडक्ट होगा, अप्रैल मई में ही देखा जाएगा पूरा का पूरा एग्ज़ाम, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा टेंटेटिव जो शेड्यूल है पूरा का पूरा शो कर दिया था। हम चलते हैं पहले आरआरबी जेई के बारे में, अगर यहाँ पर इनकी सैलरी स्ट्रक्चर और चीज़ें भी देखी जाएँ तो सारी सिमिलर हैं, जो चीज़ डिफरेंट है वो है पूरा आपका एग्जामिनेशन। तो हम पहले एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और किसका इजीली सिलेबस रहेगा और कितना पढ़ना चाहिए वो चीज़ भी हम देखेंगे। अगर बात करें हम आरआरबी जेई की, तो देखिए आरआरबी जेई में आपके दोनों दो एग्ज़ाम होंगे, यानी कि दो लेवल में होंगे। सीबीटी पूरा ही आरआरबी जेई का जो पोर्शन है पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, यानी आपका सीबीटी पोर्शन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है पूरा का पूरा। और ये जो दोनों ही पोर्शन हैं वो दोनों के दोनों पोर्शन आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन में रहेंगे, यानी आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे दोनों ही पार्ट। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की, जो आपका फर्स्ट स्टेज है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर पे है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए, जो फर्स्ट स्टेज है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की, तो फर्स्ट स्टेज में आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम में, वहीं आपके जो पीडब्ल्यूडी हैं जो विकलांग हैं उनके लिए 120 मिनट के यानी 2 घंटे का आपको जो टाइम मिलेगा। वहीं हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 देखने को मिलेंगे और टोटल 100 मार्क है। सेम जो आपका एलपी का जो प्रोसीजर रहा था सेम आपको एलपी का प्रोसीजर देखने को मिलेगा पूरा का पूरा। और जो आपका फर्स्ट स्टेज है इसमें वही आपका जो प्रोसीजर एलपी में फॉलो हुआ था कि फिर 15 गुना लोगों को पास किया जाएगा, तो सेम वही रहेगा पूरा का पूरा, ओनली ये क्वालिफाइंग नेचर है, आपके कोई मार्क्स सेकेंड स्टेज में नहीं ऐड होंगे, तो ये आपका पूरा ईजी रहेगा। अब इसमें जो आपके 100 क्वेश्चन है वो किस पोर्शन से आने वाले किससे नहीं आने वाले उससे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो आपका 30 क्वेश्चन कवर करेगा, और जो 30 क्वेश्चन होंगे वो पर मार्क्स होगा, जो पर नंबर होगा वो पर मार्क्स 1 नंबर पे ईच होगा, यानी 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के होंगे। वहीं रीजनिंग के भी आपको 25 देखने को मिलेंगे। वहीं जनरल साइंस, अब जनरल साइंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जनरल साइंस में देखिए आपका तीनों पोर्शन रहेगा, यानी पीसीएम वाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो तीनों की तीनों आपकी आती है वो बिल्कुल 10th लेवल की आती है, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। वहीं हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस आपकी 15 नंबर की होगी, और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन होगा 100 क्वेश्चन का वही आपको 90 मिनट में देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में आपसे करंट अफेयर्स और ओल्ड जीके और स्टैटिक जीके जो है वही पूछी जाएगी। अगर हम अब चलें सेकेंड स्टेज सीबीटी की बात करें, तो देखिए जो सेकेंड स्टेज सीबीटी है उसी के बेस पर ही आपका मेरिट तैयार होगा, पूरा का पूरा जो मेरिट बनेगा सेकेंड बेस पर होगा पूरा का पूरा। और आपको इस जो आपका जूनियर इंजीनियर है उसमें आपको इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो हम सेकेंड स्टेज अगर एग्ज़ाम की बात करें तो ड्यूरेशन आपका जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, और वही आपके विकलांग के लिए 160 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो 150 रहेंगे, और टोटल जो मार्क्स सेक्शन रहेगा वो 150 यानी पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हम आगे। देखिए अगर हम सब्जेक्ट रिलेटेड बात करें कि इसमें कौन सा पोर्शन कितने नंबर का रहेगा, तो देखिए जनरल अवेयरनेस आपकी 15 नंबर की रहेगी, यानी जनरल अवेयरनेस आपके हर चीज़ में काम आएगी, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, क्योंकि यही पोर्शन आपका सीजीएल का जो कैलेंडर है पूरा का पूरा टेंटेटिव, तो उस कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगा। सीजीएल के जो भी एग्ज़ाम है सीएचएसएल हुआ, तो उन सब में आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और रेलवे के एग्ज़ाम में भी आपको ये पूरा देखने को मिलेगा।
तो आप अगर इसे कवर करेंगे अच्छे से तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। 15 मार्क्स के 15 नंबर का जो आपका पोर्शन रहेगा, 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। वहीं बात करें बेसिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की तो वो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए अगर आपने एलपी का जो आपका सेकंड पोर्शन का आपने एग्ज़ाम दिया था तो जो आपसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे वो 3 से 4 कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में। उन क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा था। अगर कहीं ने किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखा गया होगा जो 21, 22, 23 था, उन तीनों ही दिन के एग्ज़ाम में इनका जो क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे थे और लेवल बहुत अच्छा था। क्योंकि अगर जिस बंदे को आते थे उन्होंने ही उनका राइट ऑप्शन चुना होगा, वरना ज़्यादातर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी इन वाले पोर्शन में। और अगर हम लास्ट जो बात करें वो जो इसका मेन पोर्शन है वो है टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के। यही इसका मेन वो रहेगा पूरा का पूरा पोर्शन। और देखिए आपको जो सेकंड एग्ज़ाम होगा आपका, यही फर्स्ट स्टेज का जो रिजल्ट आएगा, तो इसमें जो टाइम खींचेगा पूरा का पूरा, आपको टाइम बहुत अच्छा सफिशेंट टाइम मिल जाएगा आपको सेकंड स्टेज के लिए। तो टेक्निकल पोर्शन रहेगा आपका मेन जो चीज़ रहेगी। तो ये जो पूरा का पूरा पेपर रहेगा वो 150 का रहेगा। 150 में आपको इन्हीं नंबरों में से आपको कुछ अच्छे नंबर अचीव करने हैं ताकि इन्हीं नंबर पे आपको मेरिट बनेगी और यही नंबरों से आप पास होंगे। अगर हम बात करें SSC JEE की, जो SSC JEE का जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन है वो 2 पेपर में कंसिस्ट होगा, यानी आपके 2 पेपर वहीं इसी में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पेपर रहेगा वही आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसमें आपका ड्यूरेशन जो रहेगा वो 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको देखने को मिलेंगे। और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे जाएँ तो 200 क्वेश्चन होंगे। तो आप देखिए 200 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, और पर नंबर जो आपका होगा ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो देखिए इसमें पहले पूरा का पूरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपका 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी मैथ और आपको रीजनिंग पूरी देखने को मिलेगी 50 मार्क्स की। वहीं हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस आपकी 50 मार्क्स की रहेगी। इसके अंदर आपका PCM जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि जनरल साइंस भी आपकी इंक्लूड है पूरी की पूरी। तो ये टोटल आपके 100 नंबर का तो ये पोर्शन हो जाएगा, और 100% नंबर का आपका होगा जनरल इंजीनियरिंग यानी टेक्निकल का पोर्शन होगा। तो ऐसे करके आपका 200 नंबर का रहेगा। और आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, तो कट ऑफ देखिए आपको हर साल इसकी कट ऑफ वेरी होती है, यानी कट ऑफ में कहीं ना कहीं चेंज होगा, इंक्रीजिंग के तौर पे चेंज होगा, यानी 5 से 10 मार्क्स आपके वेरी करेंगे। अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज की, हाँ मैं आपको बता दूँ SSC JEE में आपको पोर्शन ये नहीं देखने को मिलेगा कि जैसे रेलवे में फर्स्ट स्टेज आपका क्वालिफाइंग नेचर, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों ही आपके नंबर के मार्क्स ऐड होंगे। तो आप कोशिश करें फर्स्ट जो आपका स्टेज है उसमें अच्छे से अच्छा नंबर लाएं, ताकि सेकंड में आपको ज़्यादा पोर्शन में मेहनत ना करना पड़े। सेकंड जो स्टेज रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव यानी आपका रिटर्न पेपर होगा। जो आपका रिटर्न पेपर होगा वो 300 का होगा, वही आपको 2 घंटे का देखने को मिलेगा। जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, यही इस पेपर की जो मेन जान रहेगी वो यही रहेगी। और इन दोनों पेपरों का जो आपके एडिशनल मार्क्स होंगे वो ऐड कर कर ही आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, उसी बेस पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ये था आपका डिफरेंस। देखिए जो आपका एग्ज़ाम है वही डिफरेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ आप पढ़ोगे बस आप टेक्निकल पोर्शन है उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, वरना जो भी चीज़ें सिमिलरिटी हैं सारे के सारे, कि आपको अगर आप वैसे भी CGL की अगर किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको वैसे भी जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस आपको वैसे भी पढ़ने को देखने को मिलेगी। तो आप उनकी तैयारी अगर अच्छे से करते हो तो इन चीज़ों को आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें अगर RRB JEE और SSC JEE की, देखिए दोनों ही पोर्शन में दोनों के एग्ज़ाम आपको अप्रैल मई में देखने को मिलेंगे, फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम रहेगा। और ये आपके सही समय पे सही वैकेंसी आई हुई है ताकि आपको फ़ायदा मिल सके पूरा का पूरा, कि आप दोनों में से कोई ना कोई एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट करें। क्योंकि आपने अभी LP भी दिया हुआ है तो आप लोगों की थोड़ी तैयारी देखने को मिलेगी, तो इसी वजह से शायद आपका पूरा का पूरा पेपर अच्छे से हो पाए, सब चीज़ अच्छे से तैयारी, और आपको इस YouTube चैनल पर आपको अच्छे से अच्छी तैयारी कराई जाएगी।